तो लोग दोस्तों कैसे आप सब लोग तो वीडियो और हम लोग आ चुके में हमारे लिए प्योर सा और वो सो रहा है तो और ये कौन है ये इसका नाम है लॉरेंट ओके तो भाई साहब को उठा दू क्या उठा देता हो क्योंकि हम लोग को साथ बात करना है दो खाना खिला दू और मैं आपको दिखाता दो घर बना दिया मैंने बहुत सारे पैसे लग चुके हैं हम लोग के बस थर्टीन थाउजेंड रुपीज़ अभी बस सेवन थाउजेंड के आसपास बचा है ठीक है तो हम लोग चलते हैं इसको इसको हम लोग जो है सबसे पहले अंदर बुलाते हैं इस भाई साहब को नहीं आना चाहिए ये भाई ये साहब अंदर मत आओ मैं पहले बोल रहा हो ये जो भी है हैक्टर लॉरेंटी हम लोग के अरे तेरे को किसने अंदर बुलाया यार इसको इसको घर पे भेजना है इसको घर पे भेजो ये चल तो नहीं था कैंड ए कोई भी आ जाता है चलो अंदर आते हैं हम लोग और सबसे पहले इससे बात करते हैं कितना तो अच्छी है तो ले और ये सारे है मैं घर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसके बस पास कर लूँ थोड़ा सा हम लोग फ्रेंडली हो जाए सबसे पहले ये मैंने इसके अंदर सोचा करके हम लोग थोड़ा सा अगर फ्रेंडली हो जाए तो आगे जाके हम लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है एक और लड़की आ रही है शायद ये भी हम लोग के अंदर आना चाहती है तो बुढ़ी अम्मा लग रही है मेरे को इसको हम लोग को घर पे नहीं लेना अरे भाई तो करो घर पे अंदर कैसे आई इसको बुलाया है किसने इसको ये एल्डर है बुढ़ी अम्मा ही है तो इसको हम लोग ग्रीट करते हैं फिर भी हम लोग रिस्पेक्ट से ग्रीट करेंगे उसको रिस्पेक्ट से ही घर पे भेजेंगे नहीं चाहिए मेरे को ये इधर चाहिए ही नहीं ओ भाई तू तो घर पे इधर घूम रही है और मेरे फ्रिज वज से सामान भी ले रही है नहीं मतलब खुद का घर समझ ली क्या इसने तो भाई फ्री में नहीं आता ऐसे क्यों है ये हम लोग तो थोड़े से, से फोटोज शेयर करते हैं बहुत कुछ करेंगे बुढ़िया क्यों है तो इधर तू निकल ना घर पे निकल बुढ़िया मक घर पे चल निकल जो आई बड़ी इसको बुलाया किसने इधर फिर भी रुकी है ये इसकी हाँ वही इसको शर्म नहीं है क्या मेरे बिल्लियाँ बहुत घूम रही है उधर थोड़ा सा ये बहुत बकबक भी कर रही है लड़की जो भी है इसका नाम है हिलरी ये रही से लग रही है बहुत ओ भाई ये फिर से गई मेरे मेरे फ्रिज में से फिर से कुछ तो चुरा के वो बस बाहर रख रही है निकाल निकाल कर इसको किसने बोला अभी तो कुछ और ही मिक्सचर बना खाना भी बनाने लगी है तो मैं खा सकता हूँ क्या चल ओ भाई ये उड़ा रही है और बाल साहब ये पत्नी मैज है हम लोग इसको ये पत्नी बनने के काबिल है और मेरे को तो लग रहा है इसके साथ ज्वाइन करते कुकिंग करने में और वो बिल्ली भी जा रही है उसके साथ अरे बिल्ली का खाना क्या दी बिल्ली ने उस टाइम दर उसको बिल्ली पूछ से बना रही है क्या खाना ये अरे भाई साहब अरे अरे बाबा दी रे क्या रही इसको इस खाने के तरह वैसे झूठा भी कर दी उसने हाँ इन लोग जो और क्या बोल रहे दोस्ती है वो बहुत जल्दी बढ़ चुकी है और ये क्यों उदास है मेरे को अभी भी नहीं समझा और क्या बनाया है यार इसने मतलब जो भी बनाया मस्त बनाया वो खा भी सकते हम लोग मेरी बिल्ली ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें चोमी भाई साहब नहीं ओरियो ओरियो ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है अरे तू किधर बैठ के खाएगी हाँ तू इधर बैठ के खा मुझे इधर बैठ के खाना चाहिए था चलो इन लोग के बीच में कुछ तो हो रहा है अभी मैं आगे का इसके ऊपर छोड़ देता हूँ इसको जो करने का है वो करने दो और मैं आपको जो है वो घर का टूर दे देता हूँ जो जो घर के अंदर मैंने नहीं बनाया तो मैंने बहुत कम चीज़ों में और पूरे स्क्रैच से बनाए अपने लोगों ने देखा रहेगा ये जो ज़मीन है ना ये पूरी ज़मीन थी यहाँ पर उसने एक स्माइली पर बनाया जो कि मिट चुका है और कोई ना तो यहाँ पर ये बहुत ही सही ज़मीन चूज की हम लोग के पास ये पूरा एरिया और जिस सामने समंदर है बस बाढ़ ना आ जाए और और हाँ ये आपको मैंने बताया नहीं ये दो फ्लोर का घर है तो मैंने बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस घर के अंदर दी है अच्छी नहीं बोल सकते बहुत काम चला हुआ है अब फ़िनाइल के लिए क्योंकि हम लोग को पहले तो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है तो मैं जितना हो सकता है उतना कम से कम बचाया हुआ है और वही तो मैं आपको बता देता हूँ घर कि ये दो फ्लोर का है और बहुत ही सुंदर दिखता है घर तो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ इसका छत नहीं है मतलब एग्जैक्टली बट हाँ मैंने एक टेरेस बनाया यहाँ पर जिसके ऊपर मतलब दरवाज़ा है ये ऊपर का रूम है ये फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट नहीं बनाया मैं सोच रहा था बना दूँ बट बाद में पैसे और लग जाते और मेरे को पता है खिड़की का अरेंजमेंट बहुत बुरा है यहाँ पर एक खिड़की हुआ करती थी पता नहीं किधर गई और शायद मैंने टी वी डाली से गायब हो गई तो वही और आ, मैं अंदर नीचे फ्लोर से दिखा देता हूँ सबसे पहले तो ये फ्लोर है हम लोग का नीचे का जहाँ पर कॉर्नर में मैंने बनाया अपने लिए किचन और जहाँ पर सब कुछ है बी सीन जो गैस है फ्रिज और माइक्रोवेव जो भी है इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही दोस्ती बढ़ती जा रही है और ठीक है ये वाला सेक्शन है जो कि है वो डाइनिंग टेबल वाला है और यहाँ पर है हमारी कैट के लिए जगह जहाँ पर हम लोग के पास खाना रखा है मैंने उन लोग के लिए खेलने के लिए और टट्टी करने के लिए और यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा बाथरूम जिसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी है एक आईना उसकी शकल दिखने के लिए बहुत सुंदर सी शक्ल के लिए एक सस्ता सा शावर वाला एरिया एक समूद होने के लिए और एक कमोड़ बस और कुछ ज़रूरत नहीं होती बाथरूम में और यहाँ पर है नॉर्मल टेलीविज़न क्योंकि बीच बीच में फो टीवी देखने को लगेगा मेरे को पता था सोफ़ा और सबसे पहले तो मैं गेट बंद कर दूँ रुको आगे का बताता हूँ मैं आपको और मैं लॉक फॉर लॉक फॉर एवरी बट साहल ठीक है तो ये हो गया हम लोग का नीचे का फ्लोर हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे ऊपर वाला फ्लोर बहुत ज़्यादा बेसिक है और यहाँ पर बस एक फ़ैन है एक मेरे लिए बेड है आ, सामान रखने के लिए चीज़ है जिसके अंदर मेरे आउटफिट्स है और यहाँ पर है हमारे लिए एक डेस्क क्योंकि मेरे को काम के लिए लगी एक कंप्यूटर तो मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा था और एक डेस्क ऊपर सेटअप कर दिया है ये बहुत प्लेन है बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है एकदम सिंपल सादा रखा है ताकि हम लोग फोकस कर सकें हमारे बिज़नेस के ऊपर एक बार बिज़नेस हो जाए हम लोग बहुत अच्छा अच्छा बना सकते ये यह यहाँ पर पागल हो रही है इसको क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ का एरिया बहुत ही सही है तो अगर आप लोग देखोगे तो आ, यहाँ पर है दुकानें हैं बहुत कुछ है हम लोग पूरे घूम सकते हैं सब इधर घूम के आ सकते हैं बट फिलहाल इसके लिए टाइम नहीं है हम लोग को चाहिए हम लोग के बिज़नेस के अंदर काम करने वाले हैं और वही हम लोग आज करने वाले हैं हम लोग को जाना है हम लोग को होटल बनाना है हमारा तो अभी हम लोग को होटल बनाना था ये ज़मीन याद है आप लोगों को मैंने खरीद ली थी लास्ट टाइम तो इसी ज़मीन पे हम लोग को बनाना है हम लोग की ज़मीन एक्चुअली ये है ये नहीं है ओके ये है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी ज़मीन कौन सी है एनी anyway, हम लोग ये चालू करते पता चल अच्छा ये वाली है ओके तो यहाँ पर है हमारी ज़मीन हम लोग को इसके ऊपर बनाना है एक होटल तो एक अच्छा खासा होटल बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो लगेंगे थोड़े से बाउंड्रीज़ हाँ इस वाले अच्छा हो गया हम लोग ने दस हज़ार रुपये बाजू में रख लिए थे ताकि हम लोग को इस वाले प्रॉपर्टी के ऊपर काम करने का और ये पैसे बचे रहें स्टाफ बाद में लिखा जाएगा तो फिलहाल हम लोग ध्यान देंगे हमारे फ्लाट के ऊपर जो कि बने का त्योहार बनाते थे हम लोग सबसे पहले तो मेरे को तो लग रहा है हम लोग सीधा सीधा एक बॉक्स बना लेते हैं कुछ ऐसा सर मैंने वो एक होटल देखा था जो कि ऐसा ही था सिंपल सा प्लेन सा मैंने बनाया कुछ तो यहाँ पर बॉक्स और अम, कुछ ज़्यादा ही पैसे चले गए इसी में तीन हज़ार रुपये चले गए भाई साहब ठीक है तो कोई ना अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मेरे को वो किधर मिलेगा अच्छा वो किधर तो ये हमारा होटल का स्टफ जितना भी सामान चाहिए वो और मेरे को इसमें ज़्यादा कमी लग रही है पता नहीं क्यों मेरे को देखने तो क्या क्या है अच्छा ओ भाई तीन हज़ार रुपये का शेफ स्टेशन कुछ ज़्यादा ही महंगा है लग तो रहा है यहाँ पर ये बैठने के लिए जगह है मेरे को सबसे पहले लाइटिंग भी लगाना पड़ेगा ओ भाई बहुत पैसे जाने वाले हैं ये क्या है ये हाई टॉप टेबल्स नहीं ये नहीं चाहिए हम लोग सबसे पहले वो किचन वाला स्टफ ढूंढते हैं किचन नहीं आ... लाइट लाइट हम लोगों को लाइट चाहिए तो मेरे को लगता है लाइट्स इधर होने मिल है ये लाइट कास्ट ऑफ और साठ डॉलर की लाइटिंग है नाइट बहुत ही कम है यार इन लोगों को ज़रा ब्राइटेड नाइट चाहिए ब्राइट लाइट बहुत ब्राइट नाइट शायद ये काम आ जाए हम सबसे सस्ता वाला जो है वो सेवेंटी फाइव और भाई साहब यही तो चाहिए हम लोगों को एकदम तो मस्त रोशनी से भर चुका है हम लोग का एरिया अभी मेरे को यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो इसीलिए एकदम प्रोफेशनल लगे इसीलिए हम लोग एक छोटो सा बाथरूम बनाने वाले हैं इस कॉर्नर में ठीक है तो हम लोग ने ये सा बना के रखा है ये वॉशरूम हो गया हम लोगों का अभी लगा लगाते हम लोग मेन सेटअप जो सबसे महंगा स्टफ़ यहाँ पर मेरे को दिख रहा है वो है हमारा खाना बनाने का एरिया वोड यू लाइक टू सिट और स्टेशन ठीक है तो एक होस्ट के लिए जगह है ये भाई साहब को हम लोग इस कॉर्नर में बैठा देंगे ठीक है इधर हो ओके हम लोगों सबसे महंगी मशीन जो खरीदनी है वो है ये वाली फुल डिस्क्लोज़ वाला स्टेशन जो भी है हम लोग यहाँ पर बस पचास रुपये बचा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ बड़ा वाला ही ले देते हैं पचास रुपये में क्या ही होने वाला है इसको लगाएंगे किधर बट इधर बाथरूम के सामने नहीं भाई अच्छा इधर लगाते हैं क्या बोलते हैं ये जगह सही लग रही है मेरे को जस्ट बाथरूम के सामने कुछ ना बट हम लोग को एक बस शेफ़ की ज़रूरत है तो वो शेफ़ इधर बनाया करेगा मेरे को लग रहा है हम लोग को एक डिवाइडर लगाना चाहिए इसके बीच में तो एक डिवाइडर लगा देते ताकि ज़रा ऐसा प्रोफेशनल लगे अंदर हमारा शेफ़ वही बैठेंगे बस दो हज़ार डॉलर बचे हमारे पास और हम लोग को लगाना है अभी बहुत सारा सामान ऑलवेज वेटिंग वेटर स्टेशन हैंगिंग वॉल साइन हम और क्या लगा सकते हैं आप बताओ और यहाँ पर एक रेट्रोटीन कनेक्शन है भाई साहब बहुत महंगा है इसमें मेरा घर चले जाएगा चार सौ डॉलर मैं ढूंढ रहा हूँ सबसे सस्ता वो ज़ीरो का है ये तो पल अगर है तो चांसेस हैं हम लोगों को वापिस से जीरो में मिल रहा है अरे फ्री है ये तो तो इसी को लगा देते हैं, मैं तो बोलता हूँ बट चेयर्स अवेलेबल है उसके लिए नहीं है इसके ऊपर बैठेंगे कैसे कोई भी नहीं यार ये ये सी गंदा सीन है हाई टॉप चेयर नहीं है अच्छा बाहर वाला स्टूल है ये तो नहीं रे ये नहीं है उस कप्ता ये गंदा सीन हो गया ठीक है कुछ नहीं हम लोग को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शायद बैठने के लिए कुछ तो देखना है मेरे को लग रहा है हम लोग को ये ख़रीदना पड़ेगा ड्रेस्ट अराउंड टेबल ये क्या है ड्रेस्ट स्क्वायर टेबल स्क्वायर से ज़्यादा से मेरे को ऑल ऑल अराउंड वाला लग रहा है अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है बहुत पैसे खाली है तो यहाँ पर मैंने दो लगा दिए है बहुत पैसे जाने के बाद बस एक हज़ार रुपये बचे हम लोगों के पास और वो भी कुर्सी में जाने वाले है मेरे को ऐसा पूरा फीलिंग आ रहा है उसको ढूँढने के लिए हम लोग को यही कुर्सी लगानी पड़ेगी भाई साहब क्या खाया है इसने ऐसे मेरे ठीक है तो हम लोगों ने बहुत कम बनाए हम लोग के पास बस पाँच सौ पचास रुपये बचे हैं और मेरे को लग रहा है हम लोग होने वाले तो पर थोड़े बहुत स्टिकर्स लगा लेते बचे पूछे पैसों से मुझे पता है अभी हम लोग को उसको भी खर्चा पानी देना है हम लोगों के जो इंसान है उनको ओ ये क्या क्या कम्युनिटी आइटम्स ये भी बनाना पड़ेगा नहीं यार नहीं इतना सब बनाना पड़ेगा नहीं यार ज़रूरत नहीं है देखो टॉयलेट बिलिटी सब बहुत प्रोफेशनल हो गया हम लोग ने जो बनाया है ना एकदम ऐसा मस्त काम चला ए मटेरियल मटीरियल में बनाया हमारे यहाँ के टॉयलेट्स ऐसे होते हैं तो एक नंबर होते हैं एकदम मस्त प्रोफेशनल लगते हैं कचरे के डब्बे की क्या ज़रूरत है ले लो ले लो ले लो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग कचरे का डब्बा ठीक ही ठीक थी है तो इस अभी इस वाले होटल में सब कुछ है अभी हम लोग को लगाना है स्टाफ को वहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पर वेटर स्टेशन है अरे वेटर स्टेशन भी लगाना है ओ भाई साहब हम लोग की लगने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही लगा देते ना अरे यार पूरा टर्न वापस से ले हाँ ठीक है तो हम लोग इधर ही लगा देते वेटर स्टेशन ठीक है तो हम लोग के रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम लोग को चाहिए लोग जो कि हो गए लगने वाले हो गए हम लोगों के हमारे शेफ का आउटफिट रहेगा ये वाला मेल का रहेगा यही वाला ठीक है आउटफिट से क्या लेना देना हम लोग को तो लोग भी तो चाहिए ओह मेन्यू भी बना सकते हम लोग सही तो है अगर मैं खुद बना दूँ तो ऐसे भी तो हो सकता है ना मैं खुद अगर शेफ़ बनूँ सर्व करूँ तो कैसे होगा ट्राई करते हैं अरे होटल में तो एंट्री के लिए दरवाज़ा ही नहीं बना है हमने ठीक है सबसे पहले एक दरवाज़ा बनाते हैं यहाँ पर मस्त सा जिसमें से लोग आएंगे और दिखेंगे हमारा और मैं फ़िलहाल मैं खुद सर्व करने की कोशिश करूँगा जॉब छोड़ देते हम लोग और कोई काम छोड़िए हम लोग को ठीक है तो ये वाला रखेंगे मस्त लग रहा है ठीक है तो अभी हम लोग खुद जाके सर्व करेंगे सब कुछ मेरे को अंदर आने दो यहाँ पर आते हम लोग और स्टार्ट करते हम लोग हमारे होटल को ओपन कर लिया है पर एम्प्लॉज की कमी है मेरे को पता है एडिट रेस्टोरेंट मेन्यू अरे भाई सब पानी पानी बस मैं दे रहा हूँ नहीं हम लोग देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्या क्या दे सकता हूँ मैं आप लोग को दूंगा ऑरेंज जूस मिल्क आप लोग कॉफ़ी में मंगा सकते हो मेरे से एकदम मस्त आइस्ड कॉफ़ी ठीक है अगर और कुछ चाहिए खाने में देखते खाने में खाने में तुम लोगों को मिलेगा बस ड्रिंक ही है खाने में सामान नहीं है वो मैंने सेव नहीं किया क्या ऑरेंज जूस और इन लोग लेंगे आइस कॉफ़ी हॉट कोका बस ये सब है आपके पास अपरटाइजर्स मैं मैं आपको दूंगा ब्रेड आपको मिलेगा चीज़ आपको मिलेगा कोल्ड कट्स कुम्बर के टुकड़े ब्रेड रोल है हम लोग के पास मकैन चीज़ है मस्त मस्त सामान है ठीक है ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि आता नहीं बनाने तो ना तो है ये ग्रिल चीज़ है ये सब ये सब जो रैंडमली मैं डाल रहा हूँ मेरे को आता भी है कि नहीं बनाने मेरे को नहीं पता बट बन बना के रखेंगे ज़रूर एक महंगा वाला भी रखते हैं ना महंगा बनाएंगे तो पैसे एकदम मस्त सब कमाने लगे के ठीक है वो तो अभी हम लोग अंदर है और कोई तो आया है कस्टमर आया है लेट्स सी कि क्या इन मैडम जी को हम लोग खुद सर्व कर सकते हैं इधर आके हम लोग जो है मैनेजमेंट करेंगे वेलकम करो सॉरी मैडम जी हम लोग बहुत अकेले हैं ये भाई साहब कितने लोग आ रहे हैं मैं आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ हमारे होटल में स्वागत है आपका अरे भाई बाद में आता तू स्वागत है आपका बैठो बैठो बस हो गया यार ज़्यादा मत बताओ बैठो बैठो सब लोग बैठ जाओ और सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ मैं आप लोग का नाम लेता हूँ भाई नाम लेता हूँ इन सेंस आप लोगों का ऑर्डर लेता हो लोग बस एक जगह पे बैठ जाओ तो उमा, उमा क्या कर रही है ये ऑर्डर लेना होगा तो कैसे लेंगे ऑर्डर कैसे लेना है तो ये बैठो तो एटलीस्ट तुम लोग इन लोगों में कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ जिसने हक दिया क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं क्या करूँ आगे तो कर सकता हूँ ओ फ्रिज ही नहीं है ओ भाई मैंने अभी देखा क्या बोल दिया यार हम लोग के लग भी जाते हैं अभी फ्रिज ही नहीं है हम लोग निकालेंगे किस में से एक फ्रिज डाल देते फटाक से ओ भाई पैसे ही नहीं है हमारे पास हम लोग को फटाक से फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कॉल कर लेते अपने बाथरूम में बैठ के ठीक है तो यहाँ पर फटाक से एक फ्रिज ला देते हैं हम लोग हज़ार डॉलर का कुछ तो आता है फ्रिज क्योंकि फ्रिज में सिर्फ सामान कैसे आ जाएगा मेरे को अगर रहा है हमको सामान अलग से ख़रीदना होगा तो लग जाएंगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा हम लोगों का ठीक है तो मैंने यहाँ पर एक फ्रिज डाल दिया है ओ कर सकते सही बात है अरे सब लोग चले गए किधर गए नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखते हैं कोई आता भी है कि नहीं आ जाओ आ जाओ कोई तो आ जाओ उन लोगों को मैंने एक्चुअली कुछ बोला ही नहीं उन्होंने बैठा ही नहीं वो लोग आए चले गए ऐसे यार कोई तो आ जाओ किसको मेरे होटल में आने का एक मन ही नहीं है ऐसे क्यों मुझे लग रहा है हम लोग ने यहाँ पर ब्रांडिंग की कमी की है तो उनको हम लोग ब्रांडिंग करते हैं इधर पर किधर निकल पड़ा ठीक है थोड़ा बहुत मैंने सामान लगा दिया है अब देखते हैं क्या होगा और मेरे को लग रहा है बहुत देर हो चुकी है हम लोग को सोने जाना चाहिए हम लोग चलते सबसे सब पहले घर पर सो जाते हैं और फिर बाद में आकर ये काम करेंगे तो अभी हम लोग घर पर आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता आज पूरे दिन में हम लोग और कुछ कमाई कर पाएंगे मुझे थोड़ा सा और भी बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग का वो होटल को कैसे चालू कर सकते हैं मुझे लगता है हम लोग इस वीडियो को इधर ही एंड करना चाहिए बहुत अच्छे से हम लोग ने बनाया आप लोग को वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में तब तक के लिए